गायत्री मंत्र की शक्ति की बात करेंगे। गायत्री मंत्र का जप है हर समस्या का उपाय। आज के इस वीडियो में ये बात मैं आपको बताऊंगी। तो गायत्री मंत्र को हम भारतीय संस्कृति की जननी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार गायत्री वेद माता है एवं मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने की शक्ति उनमें है। गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इसके जपने के लिए तीन समय बताए गए हैं। गायत्री मंत्र के जप का पहला समय है प्रातःकाल। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र जप शुरू करना चाहिए। जप सूर्योदय के पश्चात तक करना चाहिए। मंत्र जप करने के लिए दूसरा समय है दोपहर का। दोपहर में भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तीसरा समय है शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र जप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना चाहिए। इन तीन समय के अतिरिक्त यदि गायत्री मंत्र का जाप करना हो तो मौन रहकर या मानसिक रूप से करना चाहिए। मंत्र जप तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। भगवान शिव सृष्टि के संहार करता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा पालन करता है। श्री हरि विष्णु कल्याण करने वाले देवता हैं। ऐसे वेद पुराण एवं विद्वानों की मान्यता है कि सृष्टि का संचालन होता है। मनुष्य की आराधना किसी भी रूप में करता चला आ रहा है। भारतीय मनुष्य शिव को कई रूपों में भजता पूजता और मनाता है। भगवान रुद्र साक्षात महाकाल है। सृष्टि के अंत का कार्य इन्हीं के हाथों है। सारे देव दानव मानव किन्नर शिव की आराधना करते हैं। मानव के जीवन में जो कष्ट आते हैं किसी न किसी पाप ग्रह के कारण होते हैं। भगवान शिव को सरल तरीके से मनाया जा सकता है। शिव को मोहने वाली अर्थात शिव को प्रसन्न करने वाली शक्ति गायत्री मंत्र है जो महाकाली कहलाती है। इसी जातक को यदि जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, राहु केतु और शनि से पीड़ा है अथवा ग्रहण का योग है तो जो जातक मानसिक रूप से विचलित रहते हैं या जिनको मानसिक शांति नहीं मिल रही हो तो उन्हें भगवान शिव की गायत्री मंत्र से आराधना करनी चाहिए। क्योंकि काल सर्प पितृ दोष के कारण राहु केतु को पाप पुण्य संचित करने तथा शनिदेव द्वारा दंड दिलाने की व्यवस्था भगवान शिव के आदेश पर ही होती है। इससे सीधा सा अर्थ निकलता है कि इन ग्रहों के कष्टों से पीड़ित व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करे तो महादेव जी उस जातक मनुष्य की पीड़ा दूर करके सुख पहुंचाते हैं। भगवान शिव की शास्त्रों में कई प्रकार से आराधना वर्णित है परंतु शिव गायत्री मंत्र का पाठ अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। मैं आपको ये मंत्र बोल करके बता देती हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र है प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र है प्रचोदयात्। एक बार फिर से बता देती हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र है प्रचोदयात्। इस मंत्र का विशेष विधि विधान नहीं करना है। इस मंत्र को किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ सोमवार का व्रत करें तो श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। शिव जी के सामने घी का दीपक लगाएं। जब भी यह मंत्र करें एकाग्रचित होकर के करें। पितृ दोष एवं काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को यह मंत्र प्रतिदिन करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति भी करे तो कभी भी भविष्य में कष्ट नहीं आएंगे। अगर कष्ट आ भी गए तो बहुत कम आएंगे। यानी कि यदि आपके सामने कोई पहाड़ है तो वो एक छोटे कंकर के समान बन जाएगा। यानी कि कष्ट ज़्यादा आने वाले हैं तो बहुत ही कम हो जाएंगे। इस जप से
जिन लोगों को मानसिक अशांति रहती है उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। ऐसा मंत्र करने वाले लोगों को यश, समृद्धि और कीर्ति सभी अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं। शिव की कृपा का प्रसाद मिलता है। कोई भी आराधना सच्चे मन से की जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र का अर्थ है, सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे, अथवा उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये सब खूबियाँ जो हैं गायत्री मंत्र की मैं जो आपको बता रही हूँ बहुत ही कीमती चीज़ें हैं ये। इसके अलावा गायत्री मंत्र का एक और तरीका है जिसमें कोई भी रोग नाश के लिए आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में दूध दही घी और शहद को मिलाकर 1000 गायत्री मंत्रों के साथ हवन करने से चेचक, आँखों के रोग एवं पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं। इसमें समिधाएँ जो हैं यानी हवन की जो लकड़ियाँ हैं वो पीपल की होनी चाहिए। गायत्री मंत्रों के साथ नारियल का बूरा और घी का हवन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। नारियल के बूरे में यदि शहद का प्रयोग किया जाए तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि गायत्री मंत्र का जप करने से किस प्रकार से दरिद्रता खत्म हो जाती है। व्यापार नौकरी में हानि हो रही हो या कार्य में सफलता नहीं मिलती हो, आमदनी कम हो तथा व्यय अधिक हो तो गायत्री मंत्र का जप काफ़ी फायदा पहुंचाता है। शुक्रवार को पीले वस्त्र पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान कर गायत्री मंत्र के आगे और पीछे श्री संपुट लगाकर जप करने से दरिद्रता का नाश होता है। इसके साथ ही रविवार को व्रत किया जाए तो बहुत अधिक लाभ की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी रोग से जल्दी मुक्ति चाहते हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त में एक कांसे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर रख लें एवं उसके सामने लाल आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र के साथ ऐं ह्रीं क्लीं का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जप करें। यानी कि ऐं ह्रीं क्लीं पहले लगाना है, ओम भूर्भुवः स्वः से पहले लगाना है। जप के पश्चात जल से भरे पात्र का सेवन करने से गंभीर रोग का नाश होता है। ऐसी सर्च वैज्ञानिकों ने की है। यदि जल किसी अन्य रोगी को पीने देने से भी उसका रोग नाश हो जाता है, यानी कि ये जल जो है सिद्ध हो जाता है गायत्री मंत्र से। आप इसे सिद्ध कर लीजिए और इस मंत्र से आपके सारे रोगों का नाश हो जाता है। यदि विवाह में देरी हो रही हो तो सोमवार को सुबह पीले वस्त्र धारण करके माता पार्वती का ध्यान करते हुए ह्रीं बीज मंत्र का संपुट लगाकर 108 बार जाप करने से विवाह कार्य में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। धन्यवाद।